हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल फ्रॉम टीम टेक पढ़ाई एंड आई विल बी टीचिंग यू क्लास 9th मैथमेटिक्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नंबर सिस्टम. तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और बेसिक्स क्या है इस चैप्टर के, यही सब. तो हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स से. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने टाइप्स की नंबर्स होती हैं. तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स हमारी कौन सी नंबर्स होती हैं, जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 गोज टू इन्फिनिटी, ये सभी हमारी नेचुरल नंबर्स होती हैं. होल नंबर्स कौन सी नंबर्स होती हैं, होल नंबर्स स्टार्ट होती हैं 0 से और 1, 2, 3 डॉट 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 गोज टू इन्फिनिटी, ये हमारी होल नंबर्स होती हैं. उसके बाद हमारी आती हैं इंटीजर्स. अब इंटीजर्स कैसी नंबर्स होती हैं, इंटीजर्स होल नंबर ही होती हैं लेकिन उनका नेगेटिव होती हैं. तो जैसे मान लिया हमने -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सब हमारी इंटीजर्स नंबर्स हो गई. फिर उसके बाद हम आती हैं हमारी रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स कैसी नंबर्स होती हैं, रेशनल नंबर वो नंबर होती हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. अगर क्यू जो है हमारा 0 हो गया तो ये कंडीशन नॉन डिटरमाइन की हो जाएगी. और यहाँ पे पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए. तो वैसी नंबर्स रेशनल नंबर कहलाती हैं. रेशनल नंबर को पता लगाने का एक और तरीका होता है कि जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है या तो टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है. ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और ये टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे. अभी यही सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. उसके बाद हमारी आती हैं इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स कैसी नंबर्स होती हैं, वो नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे ये कंडीशन हर जगह लगेगी जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. अब इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है. अभी हम देखेंगे ये सब क्या है. तो ये था आपके टाइप्स ऑफ नंबर्स. अब रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के हमारी रियल नंबर्स बनती हैं. इस चैप्टर में हमें रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है. एक और नंबर्स होती हैं जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं. ये आपके आगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप जानेंगे क्या होती हैं. फिर इमेजिनरी और रियल नंबर्स को मिला के हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनती हैं. ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, इमेजिनरी क्या होती है. तो अगर ये डायग्राम आप बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लें क्योंकि ये हमेशा ही काम देगा. और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो जैसे अगर आप यहाँ पे नीचे से ऊपर जाते हैं तो कंडीशन हमेशा ट्रू होती है. कैसी कंडीशन ट्रू होती है, जैसे इज़ एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ट्रू. इज़ एवरी होल नंबर इज़ इंटीजर, ट्रू. इज़ एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, ट्रू. बट जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो कंडीशन फॉल्स होती है. जैसे इज एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, नॉट ट्रू. मे बी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. तो ये मतलब फॉल्स होती है ये कंडीशन. इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो. -3 इज इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर. इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो. तो ये आप याद रख लें या समझ लें तो आगे आपकी एक्सरसाइज में आपको काम देगा. ये था आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. और जो भी एक्सरसाइज रिलेटेड टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो टिल देन, थैंक यू.